गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस मॉड्यूल के अंदर, जिसका नाम है कि वेस्टीज से शुरुआत कैसे की जाए। लेडीज जेंटलमैन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट हमारा मॉड्यूल है, क्योंकि जितने लोग हमारे बिजनेस के अंदर शामिल होते हैं, जब उन्होंने देखा होता है हमारा बिजनेस प्लान, जब उन्होंने सुना होता है उन लोगों के बारे में जो इस बिजनेस में इतनी सफलता पा चुके हैं, जब उन्होंने देखा होता है और सुना होता है, मिले होते हैं उन लोगों से जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स के साथ फायदा उठाया, ये सब चीजें लोगों को इनकरेज करती हैं ये सोचने के लिए कि वेस्टीज का बिजनेस करने में बहुत आसान है। प्रोडक्ट्स की जानकारी, मार्केटिंग प्लान के बारे में, सब चीजों को देखने के बारे में जब लोग इस बिजनेस में शुरुआत करते हैं तो उनके दिमाग में काफी सवाल खड़े होते हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि जब नया व्यक्ति कोई भी नया कार्य करना चाहता है उसके बारे में अगर उसको पूरी जानकारी हो तो उसको काम करने में कम गलतियां होती हैं। लेडीज जेंटलमैन, वो कौन से सवाल होते हैं जो लोगों के दिमाग में उठते हैं, चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अगली स्लाइड के ऊपर, जिसके ऊपर आप देखेंगे कि कौन से सवाल हैं जो लोगों के दिमाग में आते हैं। सवाल जो लोगों के दिमाग में आते हैं, सबसे पहला कि मैं शुरुआत कैसे करूं, कहां से करूं। शुरुआत कैसे करूं का मतलब कि मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दूं, कि प्रोडक्ट्स को बेचूं, या लोगों का नेटवर्क बनाने के अंदर, अपनी टीम बनाने के अंदर मैं ज्यादा ध्यान दूं। और कहां से शुरुआत करूं, अपने घर से शुरुआत करूं, यानी कि अपने जान पहचान के लोग, भाई बहन, रिश्तेदारों से बात करूं, या अपने दोस्तों से बात करूं। इसके साथ साथ मैं अपने शहर में शुरू करूं, या जो मेरे दूसरे शहर में है, मेरे रिश्तेदार रहते हैं, जिनमें से कोई व्यक्ति सेल्स के बिजनेस के अंदर है, या कोई व्यक्ति डॉक्टर है, या कोई व्यक्ति जिसका बहुत अच्छा जो रुबाब है, लोग उसको बहुत जानते हैं। लोगों के दिमाग में ये बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, और उसके साथ साथ एक बहुत जो अहम सवाल आता है कि मैं किसके साथ शुरू करूं, यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने जान पहचान के लोगों को बताऊं और वो मेरी तरफ एक अलग धारणा कर लें कि ये क्या छोटा सा काम करना शुरू हो गया है। और सबसे ज्यादा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि मैं शुरुआत कब करूं। क्या मैं पूरी की पूरी पहले ट्रेनिंग्स लूं, जबके बारे में मेरे को पूरे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी हो, जब पूरी जानकारी ले लूं, मेरा अपलाइन मेरे साथ काम करने के लिए तैयार है, क्या मैं तब शुरुआत करूं। लेडीज जेंटलमैन, ये जो इतने बेइंतहा सवाल आपके दिमाग में आते हैं, उनका उत्तर आपको नेक्स्ट स्लाइड पे नजर आएगा, यानी कि उसका आंसर जो है वो बिल्कुल सिंपल है कि कहीं पे भी, किसी के साथ भी, और किसी भी समय भी, उस व्यक्ति के साथ जिसको आप सोचते हैं जिसके अंदर क्षमता है। क्षमता किस चीज की? हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने की, या हमारे बिजनेस में जुड़ने की। हमें पर ये जो शुरुआत करनी चाहिए, ये तभी करनी चाहिए जब हम वेस्टीज एजुकेशन सिस्टम के जो 7 स्टेप्स हैं कि शुरुआत कैसे की जाए, इसको हम मास्टर कर लें। लेडीज जेंटलमैन, अगली स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए कि आपने जब ये शुरुआत करनी है, किसके साथ करनी है, कहां करनी है और कब करनी है, इसका जब आपको उत्तर मिल गया कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ कर सकते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स या हमारे व्यापार के अंदर जुड़ सकता है, जो मैंने एक चीज पहले कही, मैं उसको फिर से दोहराना चाहूंगा कि आपने जब ये काम शुरू करना है, उससे पहले आपने अपने आप के अंदर ये पूरा का पूरा ज्ञान ले लेना है कि ये 7 कौन से स्टेप हैं जिनको आपने करना है। पर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वेस्टीज के अंदर, और शुरुआत की 7 गलतियों के अंदर भी मैंने आपको उसके बारे में जानकारी दी है, कि अपने मन के अंदर कभी ये सोच मत रखिएगा कि आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं बगैर इस सिस्टम को फॉलो किए हुए। क्योंकि काफी नए लोग जो आते हैं वो कहते हैं, हमें बताया जा रहा है पहले प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, होम मीटिंग्स करो, एक एक दो दो व्यक्ति से बात करो, 1,60,000 का बिजनेस करना है। अरे, एक एक दो दो से बात करेंगे तो इतना लक्ष्य पहुंचने में बहुत समय लगेगा, तो करते क्या है, एक ही आदमी को पकड़ते हैं, उसी के साथ पास 2,00,000 का माल दे देते हैं और हमारा डायरेक्टर लेवल हो गया। लेडीज जेंटलमैन, जो आपको सिखाया जाता है, अगर आप उसको सही तरीके से करेंगे, तभी आपका वेस्टीज का बिजनेस लंबे समय तक चलेगा और आपको उतनी सफलता देगा जो आपने जिंदगी में कभी सोची नहीं। हां, शायद आप में से कुछ ऐसे लोग हों जिनके पास काफी क्षमता हो कि अकेले ही वो सब कुछ कर सकते हैं, पर ऐसे लोग जिनके पास क्षमता खुद की करने की होती है, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके आने वाले साथ जितने लोग होंगे, हर एक व्यक्ति के पास वैसी क्षमता नहीं होगी। अगर हर एक व्यक्ति के पास वैसी क्षमता नहीं होगी
तो क्या होगा? दिक्कत होगी आप ही के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप काम करेंगे तब तक आपके साथ वाले लोग काम कर सकेंगे, और जिस दिन आप अगर उनको समय नहीं दे सक रहे तो शायद उनकी सफलता वहीं पर रुक जाएगी। लेडीज जेंटलमैन, अगर हर एक व्यक्ति को इस बिजनेस में हमने सफल बनाना है तो हमें करना क्या है? हर एक व्यक्ति को सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम यानी कि इस बिजनेस को कैसे करते हैं। लेडीज जेंटलमैन, आपको अगली स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, जो हमने आपसे कहा कि आपने फॉलो क्या करना है, एक आसान तरीका यानी कि वेस्टीज का जो बनाया गया सिस्टम है, जो सिस्टम सफलतापूर्वक इस समय तक इतने ज्यादा लोगों को सफल बना चुका है, तो आपको अपने लिए नया तरीका नहीं अपनाना, राइट? ये जो सिस्टम है ये उन लोगों ने बनाया है जिनको मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर कम से कम 10 से लेके 15 साल का तजुर्बा है। लेडीज जेंटलमैन, सिस्टम आपको डेफिनेटली सफलता के ऊपर ले जाएगा, क्योंकि एक एग्जाम्पल जो हम यहां पे हमेशा देते हैं कि अगर आपने सफलता की चोटी के ऊपर जाना है, इस दुनिया में सफलता की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपने सही कहा, माउंट एवरेस्ट। मुझे एक बार बताइए कि अगर आपने माउंट एवरेस्ट पे जाना हो तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? जो व्यक्ति वहां पहले जा चुका है या वो जो वहां पे कभी नहीं गया? बिल्कुल सही, उसी के साथ अगर आप जाएंगे जो पहले जा चुका है तो वो आसानी से आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। लेडीज जेंटलमैन, वेस्टीज के सिस्टम के अंदर भी यही है। इसको देखते हुए इसलिए बनाया गया है कि जो लोग गलतियां पहले कर चुके हैं उनकी गलतियों को देख के इस तरीके को बनाया गया है, ताकि हर नया व्यक्ति आके वही गलतियां दोबारा ना करे और इस बिजनेस में जल्दी से जल्दी सफल हो जाए। जब आप वेस्टीज के सिस्टम को डुप्लीकेट करते हैं तो तब उससे यह होता है कि आप वो गलतियां दोबारा 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 नहीं करते। जब सिस्टम को आप डुप्लीकेट करते हैं यानी कि कॉपी करते हैं, ये एक चीज सुनिश्चित करता है कि आप और आपके डाउनलाइंस वो गलतियां दोबारा ना करें। अब सिस्टम को फॉलो करने के लिए, सिस्टम क्या है, हम आपको लेके चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। अगली स्लाइड के ऊपर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि शुरुआत में इस बिजनेस के अंदर थोड़ा सा समय जरूर देना है। समय काहे के लिए देना है? क्योंकि इस व्यापार को समझने के लिए। जो एक चीज हम आपको बिल्कुल साफ कहते हैं, हर मीटिंग में दोहराते हैं कि हमारा बिजनेस कोई प्लान या कोई स्कीम नहीं है। ये क्या है? ये एक बिजनेस है। अगर इसको बिजनेस के रूप में करोगे तभी बिजनेस के रूप में, बिजनेस के अंदर जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, फायदे मिलते हैं, आमदनियां मिलती हैं, वही चीज आपको वेस्टीज के अंदर मिलेगी। पर हां, एक चीज तो पक्का होती है कि अगर आज के दिन आप कोई भी व्यापार करना चाहें, व्यापार को शुरू करने से पहले आप उसके बारे में जानकारी लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने कपड़े का व्यापार करना है तो आजकल कौन सा फैशन चल रहा है, किस प्रकार का कपड़ा लोग डालते हैं, वो कपड़ा मुझे कहां से अच्छे रेट पे मिलेगा ताकि मेरे को मुनाफा ज्यादा हो सके, साथ ही साथ उसके ऊपर कितने टैक्सेस हैं, मेरे को सेल टैक्स नंबर लेना पड़ेगा या शॉप या रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, ये सब जानकारी लेनी बहुत जरूरी होती है। और इसी तरह वेस्टीज के सिस्टम के अंदर भी आपको ये जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। लेडीज जेंटलमैन, आपको आगे ले जाते हुए अगली स्लाइड के ऊपर, वेस्टीज के अंदर जो सफलता है वो एक चीज से आती है, डुप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन। डुप्लीकेशन किस चीज की? लोगों के सही एक्शन की। एक्शन यानी कि आपने किसी को करते देखा कि कोई व्यक्ति स्पिरुलिना के बारे में कैसे बता रहा है, या कोई व्यक्ति मार्केटिंग प्लान कैसे बता रहा है, या आपके अपलाइन के साथ जब आप काम कर रहे हैं आपके किसी जान पहचान के व्यक्ति ने कोई सवाल पूछा और आपके अपलाइन ने उसका जवाब कितने बेहतरीन तरीके से दिया, जो आपने देखा उसी को कॉपी करो। उसी को कॉपी करोगे, सफलता निश्चित आपको मिलेगी। लेडीज जेंटलमैन, इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर जब मैं ये वाला पार्ट कर रहा होता हूं कि वेस्टीज में शुरुआत कैसे की जाए, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि इस बिजनेस को करना बहुत आसान है। क्यों? अपने अपलाइन से पूछो कि कैसे, अपने डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में से कमाओ पैसे। यानी कि हमारा बिजनेस उन लोगों के लिए है जो सिर्फ नकल मारने में बहुत उस्ताद होते हैं। आप में से कितने लोग थे जिन्होंने स्कूल में या कॉलेज में कभी नकल मारी? मेरे ख्याल से आप में से शायद काफी लोग होंगे, और मैं भी उनमें से था, जो मैं गर्व से कहता हूं कि मैंने भी स्कूल और कॉलेज में नकल मारी। क्यों? अरे जब लिखा गया है, सब लोग उसके बारे में जानते हैं, तो याद करना और सब कुछ नया क्यों बनाना? सिर्फ देख के कॉपी करो और पूरे के पूरे नंबर लो।
वही चीज आपने वेस्टीज में करनी है। पर यहां पे दिक्कत क्या होती है, जब यहां पे लोग आते हैं स्कूल में क्या कहा जाता है कि नकल नहीं करनी, और हम वहां पे क्या करते हैं, करनी है। पर वेस्टीज के बिजनेस में जब हम आके काम करते हैं, हमें हर एक व्यक्ति सिर्फ एक ही चीज कहता है, अरे अपना दिमाग इस्तेमाल मत करो, नकल करो, और हम क्या कहते हैं, हम यहां नहीं करेंगे। लेडीज जेंटलमैन, जिंदगी को अगर अच्छी तरह बिताना चाहते हो और इस बिजनेस को आसान बनाना चाहते हो, सफल लोगों की नकल करो। डुप्लीकेशन यानी कि नकल करने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज होती है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन किस चीज की, सही एटीट्यूड की, सही भाव की, यानी कि जो सोच आप देखते हैं आपके अपलाइन में है, कि जब वो मीटिंग में आते हैं उनके अंदर जो आग होती है, जब मीटिंग के अंदर ताली बजाई जाती है तो वो जोर से ताली बजाते हैं, जब कोई व्यक्ति स्टेज पे जाता है तो उसको वो इनकरेज करते हैं, जब उनको बताया पूछा जाता है कि आपका वेस्टीज का बिजनेस कैसे है, कैसा है, वो कहते हैं दुनिया में सबसे बेहतर है वेस्टीज, और जब पूछा जाता है कि क्या ये प्रोडक्ट काम करते हैं, कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनको इन प्रोडक्ट से फायदा ना हो। लेडीज जेंटलमैन, ये जब भाव आप अपने अंदर लाते हैं तभी आपसे लोग ज्यादा प्रभावित होंगे। इस सिस्टम के अंदर बहुत साधारण चीज क्या है कि जब आप डुप्लीकेट करते हैं, कॉपी करते हैं लोगों का सही एटीट्यूड और एक्शन यानी कि काम करने का तरीका और भाव, आपका जो आने वाला ग्रुप भी है उसके अंदर ऑटोमेटिकली वही डुप्लीकेशन होती है। क्यों? क्योंकि आज के दिन जब आप इन टूल्स को और इस सिस्टम को फॉलो करना शुरू करेंगे, आपका जो आने वाला परिवार जो बढ़ना है उसके अंदर आज आप एक नींव रख रहे हैं। किस चीज की नींव रख रहे हैं? संस्कार की, कि जो आने वाले आपके डाउनलाइंस के डाउनलाइंस के डाउनलाइंस के डाउनलाइंस यानी कि 100वें लेवल तक जो व्यक्ति आएगा वो किस प्रकार से काम करेगा, वो किस तरह से सफल होगा या असफल रहेगा, वो आज इस चीज पर निर्भर करेगा कि क्या आप सिस्टम को अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं। लेडीज जेंटलमैन, आप जो इतना समय दे रहे हैं इन सीडीज को देखने के लिए, आपके अंदर बिल्कुल वही भाव है कि आप सही तरीके को सीख के अच्छी तरह इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं। आगे बढ़ते हुए आपको इस सिस्टम के बारे में और जानकारी देते हुए, इसके अंदर हमारे 7 कदम रोज करने हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर अपनी जिंदगी को सफल बनाना चाहते हो, तंदुरुस्त रहना चाहते हो, लंबी आयु चाहते हो, आपने करना क्या है, सिर्फ 7 कदम हर रोज। कौन से? सबसे पहले उठना, दूसरा दांतों को ब्रश करना, क्यों, अगर दांत ब्रश नहीं करोगे तो कीड़ा लगेगा, तीसरा टॉयलेट जाना, क्योंकि टॉयलेट नहीं जाओगे तो होगा क्या कि तबीयत खराब हो जाएगी, चौथा नहाना, और साथ में 3 बारी आपको दिन में खाना। अगर दिन में 3 बारी खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, अगर 1 बारी खाएंगे तो कमजोरी आएगी, अगर नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। हमारे बिजनेस में भी रोज करनी है, अगर आप वेस्टीज के अंदर एक लंबी आयु, एक बहुत विशाल बिजनेस, एक बहुत अच्छी आमदनी और इतना इज्जत की सम्मान की लोग आपको इज्जत करें कि ये वो व्यक्ति है जिसने मुझे सिखाया सफल कैसे बनना है। जो 7 कदम है जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगा वो बहुत साधारण है और उनको अपनी हर रोज की क्रिया के अंदर आपने लाना है। 7 कदम कौन से हैं? सबसे पहला इन प्रोडक्ट को खाइए, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताइए, तीसरा लिस्ट बनाइए, चौथा लोगों को इनवाइट कीजिए, पांचवा करिए मीटिंग, छठा करिए टीम वर्क, सातवां कौन सा करना है, फॉलो अप। जब आप इस बिजनेस में आए पहले दिन आपने सिर्फ यही काम करना है, कौन सा, सबसे पहला इन प्रोडक्ट को खाना, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना, तीसरा आपने लिस्ट बनानी है, चौथा आपने इनवाइट करना है, पांचवा आपने करनी है मीटिंग, छठा करना है टीम वर्क, सातवां करना है फॉलो अप। लेडीज जेंटलमैन, आपका पहला ये दिन गया, दूसरे दिन भी आपने यही काम करना है, सबसे पहले इन प्रोडक्ट को खाना, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना है, तीसरा आपने लिस्ट बनानी है, चौथा लोगों को इनवाइट करना है, पांचवा करना है मीटिंग, छठा करना है टीम वर्क, सातवां करना है फॉलो अप। नहीं सिर्फ पहले 2 दिन, पूरा 1 हफ्ता यही करना है, उसके बाद अगले हफ्ते भी आपने यही काम करना है, सबसे पहले इन प्रोडक्ट को खाना, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना, तीसरा आपने लिस्ट बनानी है, चौथा आपने इनवाइट करना है, पांचवा करनी है मीटिंग, छठा करना है टीम वर्क, सातवां करना है फॉलो अप। नहीं सिर्फ पहले कुछ हफ्ते, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना करना यही काम है, सबसे पहला इन प्रोडक्ट को खाना, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना, तीसरा आपने लिस्ट बनानी है, चौथा लोगों को इनवाइट करना है, पांचवा करना है मीटिंग, छठा करना है टीम वर्क, सातवां करना है फॉलो अप। आपकी इस बिजनेस में शुरुआत हो या आप इस बिजनेस में डायरेक्टर बन गए या सिल्वर गोल्ड स्टार डायरेक्टर डायमंड क्राउन यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स भी आज के दिन पे अगर आप वेस्टीज के बिजनेस में देखें
वो हर रोज व्यक्ति सिर्फ यही साथ काम करता है, कौन सा? अभी तक आप बिल्कुल जान गए होंगे, सबसे पहला इन प्रोडक्ट को खाना है, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना है, तीसरा आपने लिस्ट बनानी है, चौथा आपने लोगों को इनवाइट करना है, पांचवा आपने करनी है मीटिंग, छठा करना है टीम वर्क, और सातवां क्या करना है? यस, फॉलो अप। पर इन सब सातों चीजों को करना कैसे है, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं सबसे पहला स्टेप। कि यानी कि इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करो। जब आप इस बिजनेस में आए तो इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू करो। शैम्पू हो, फेयरनेस क्रीम हो, हेयर ऑयल हो, डियो हो, साबुन हो, हमारे हेल्थ केयर के विशाल जो प्रोडक्ट्स हैं इनको इस्तेमाल करना शुरू करो। लेडीज जेंटलमैन, हमारा बिजनेस ना सिर्फ भाषण देने का है, बल्कि ये सिर्फ कहने का नहीं बल्कि करने का है। आज के दिन इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होने के बावजूद भी मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि वेस्टीज के प्रोडक्ट टॉप क्वालिटी के हैं और इन सब प्रोडक्ट्स को मैं इस्तेमाल करता हूं। सिर्फ कहने की बात नहीं, आपके सामने आज मैं इन प्रोडक्ट्स को आपके सामने खा के दिखाऊंगा। लेडीज जेंटलमैन, ये प्रोडक्ट जो आपका सबका चहेता है, और सबसे ज्यादा इस समय वेस्टीज के अंदर जो बिजनेस हो रहा है वो स्पिरुलिना से हो रहा है। स्पिरुलिना आपके सामने अगर आप गिन के देखिए ये कितने कैप्सूल हैं, 5 कैप्सूल स्पिरुलिना मैंने अपने हाथ में लिए हैं। नाइस सिर्फ स्पिरुलिना, दूसरा प्रोडक्ट नोनी जो सबसे ज्यादा बेहतरीन है, इसके मैंने 4 कैप्सूल अपने हाथ में ले लिए। जरा गिनती तो आपको आती होगी, 5 और 4 कितने हुए? सही कहा, 9 हुए। ना ही सिर्फ नोनी और स्पिरुलिना, ये मैं आपके सामने अपने हाथ में ले रहा हूं फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल्स। फ्लैक्सीड ऑयल के 3, 5 और 4 कितने हुए थे? 9, 9 और 3 12। इसके साथ साथ अगला प्रोडक्ट जो मैं आपके सामने अपने हाथ में ले रहा हूं ये है हमारा एलोवेरा, और एलोवेरा के मैं 2 कैप्सूल ले रहा हूं। अब कितना हुआ था मुझे बताएंगे? 12 और 2 14। लेडीज जेंटलमैन, ये जो 14 प्रोडक्ट्स मेरे हाथ में हैं, ये कैप्सूल ज्यादातर लोगों को अगर मैं दूं और कहूं इनको खाओ तो वो क्या करेंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमें कुछ हो जाएगा, कहीं तबीयत खराब तो नहीं हो जाएगी, साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा? लेडीज जेंटलमैन, सबसे पहला कदम याद रखिए, अगर इस बिजनेस में सफलता पानी है तो इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करो, जो मैं आपके सामने खुद करने वाला हूं। कैसे? कि इनको गायब करूंगा। किस प्रकार से? एक बहुत बेहतरीन जादू। क्या जादू? कि ये प्रोडक्ट्स उठा के अपने मुंह में डाल लिए और ये पानी का ग्लास लेके इनको गायब कर दिया कि नहीं? जादू पसंद आया? लेडीज जेंटलमैन, एक सवाल मुझे बताइए कि मैं जिंदा हूं कि मर गया? बिल्कुल जिंदा हूं, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते, बल्कि जब आप इन प्रोडक्ट्स को खाएंगे तभी आपका विश्वास बढ़ेगा। लेडीज जेंटलमैन, पिछले 5 साल से मैं इन प्रोडक्ट्स को रेगुलरली खा रहा हूं और मेरी अच्छी सेहत और इतनी तंदुरुस्ती और जोश का कारण ही है ये प्रोडक्ट्स। लेडीज जेंटलमैन, अगली स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए कि जब आप इन प्रोडक्ट्स को खाते हैं तो इन प्रोडक्ट्स को लेने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद, इन प्रोडक्ट्स का आप खुद विज्ञापन बन जाते हैं। विज्ञापन बन जाते हैं कि लोगों से जब आप बात करेंगे कि आप इन प्रोडक्ट्स को लीजिए, आपको फायदा होगा, अगर कोई व्यक्ति इनके ऊपर शक भी दिखाएगा तो आपके अंदर से वो विश्वास फूट फूट के बाहर आएगा। अरे प्रोडक्ट्स, अरे किसी को हानि नहीं पहुंचाते, लोगों की बात छोड़ो, मैं इन प्रोडक्ट्स को खुद खाता हूं और मेरे को खुद फायदा होता है। ना ही सिर्फ मैं खाता हूं, मेरे परिवार के लोग भी खाते हैं। क्या ये कदम कोई मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल आसान। तभी सैकड़ों लोग, लाखों लोग वेस्टीज के अंदर हर रोज यही बिजनेस को करते हैं, यही स्टेप को करते हैं, तभी आगे बढ़ जाते हैं, राइट? हमारे इस बिजनेस के अंदर कई बारी जो कुछ लोग आते हैं उनके पास एक प्रकार की सोच होती है। किस प्रकार की सोच होती है? कि अरे यार, ये प्रोडक्ट्स हम खाएंगे नहीं, हम ऐसा है लोगों को बेचेंगे। ऐसे लोग जिनके पास इस प्रकार की सोच होती है कि प्रोडक्ट्स को खुद इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ लोगों को देना है, ऐसे लोगों की जिंदगी हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा नहीं होती। तो आसान तरीका क्या है एक लंबी जिंदगी पाने का, वेस्टीज के बिजनेस को बढ़ाने का? हर रोज इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करिए। चलिए आगे चलते हुए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाना चाहूंगा कि जब आपने इनको खाया, पहला कदम इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना है, यानी कि रोज इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है। दूसरा कौन सा बताया था? कि इनके बारे में लोगों को बताओ, यानी कि शेयर करो। यार कितना आसान है,
आपने कुछ इस्तेमाल किया, आपको फायदा हुआ, उसके बारे में लोगों को बताओ। आज सुबह मैंने वेस्टीज का जो एश्योर शैंपू आया है उसको इस्तेमाल किया, मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, इसके बारे में लोगों को बताना। इस प्रकार से मैं वेस्टीज का डिओड्रेंट इस्तेमाल करता हूं, खुशबू काफी अच्छी लगती है, इसके बारे में लोगों को बताइए कि मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्या उसकी सुंदर स्मेल है। सोप इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, आप जितना ज्यादा लोगों को इनके बारे में बताएंगे उतना ज्यादा लोग आपसे और आपके प्रोडक्ट से प्रभावित होंगे। अगली स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये धारणा मत रखिए कि आप डॉक्टर हैं। जब हम आपसे इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं कि स्पिरुलिना आप डायबिटीज, एस्थमा, स्किन डिजीजेस या जॉइंट पेन या अलग अलग चीजों के अंदर आप दे सकते हैं, या नोनी के ये फायदे हैं कि माइग्रेन से लेके कैंसर, एड्स वगैरह जो दुनिया भर के जर्नल्स और इंटरनेट के ऊपर आप इनके फायदों को देख सकते हैं, फ्लैक्स जो कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, ब्लॉक्ड आर्टरीज को क्लियर करता है, जब इनके बारे में बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट इन चीजों में मदद कर सकते हैं, तो ज्यादातर नए लोगों की धारणा क्या बन जाती है कि शायद इन प्रोडक्ट्स के लिए हमें सिर्फ बीमार लोगों को ढूंढना है। और वो करते हैं क्या है, किसी व्यक्ति के पास जाके पूछेंगे, साहब आपको कोई बीमारी है, जब वो व्यक्ति कहता है नहीं, थट, किसी काम का नहीं। नहीं, हमें यहां पे सिर्फ बीमार लोगों को नहीं ढूंढना, हमें यहां पे इन प्रोडक्ट्स को स्वस्थ लोगों को भी देना है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स तो दवाइयां है नहीं, हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स है फूड सप्लीमेंट्स। फूड यानी कि भोजन की सप्लीमेंटेशन करना, यानी कि जो हमारे भोजन में कमी है उस कमी को पूर्ति उसकी करते। आप में से कई लोग होंगे कि कहेंगे यार हम अच्छे खाते पीते घर से हैं, हमारा अच्छा भोजन होता है, उसमें कैसे कमी हो सकती है। अरे कभी सोच के तो देखिए कि क्या आज हमें पानी प्योर मिलता है, राइट? सब्जियां आपको पता है कि उनके अंदर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स भरे हुए हैं, आजकल फलों को पकाने के लिए केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अरे जब फल आपके पास या सब्जियां आपके पास बेहतरीन आ भी गई, आप खाना पकाते कहां है? तेज आग के ऊपर, आग की गर्मी से भी उसके पौष्टिक आहार यानी कि न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम भोजन कौन सा करते हैं जो हमारी जुबान को स्वाद लगता है। किसी को दूध पसंद नहीं, किसी को दही पसंद नहीं, किसी को सेब पसंद नहीं, कोई केला नहीं खाता, कोई अमरूद नहीं खाता, कोई संतरा नहीं खाता। इन सब चीजों से होता क्या है, हमारे शरीर में असंतुलन हो जाता है और हमारे शरीर को 40 तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, कार्टेनॉइड्स, हर एक चीज की जरूरत होती है। और ये सब बेहतरीन चीजें आपको कहां से मिल सकती हैं? आपको मिलती हैं इन कुदरती प्रोडक्ट से, जो मैं फिर से कहना चाहूंगा दवाई नहीं है बल्कि फूड सप्लीमेंट्स है। जब बीमार लोग इनको लेते हैं उनको फायदा कैसे होता है? जब उनके शरीर के उस अंग को उसकी खुराक नहीं मिल रही थी, उसने अपना काम करना बंद किया, तो बीमारी शुरू होगी। जब उस अंग को जब पूर्ण खुराक मिलनी शुरू हो गई तो अंग स्वस्थ हो गया, तो बीमारी चली गई। अब बीमार होने तक का आपको इंतजार नहीं करना। ये प्रोडक्ट स्वस्थ लोगों के लिए भी हैं, क्योंकि अगर स्वस्थ लोग इनको लेते हैं तो वो आगे चल के बीमार नहीं पड़ते। भगवान की दया से मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं तब भी इन प्रोडक्ट को हर रोज लेता हूं। क्यों? ताकि आगे चल के मेरा शरीर कमजोर ना बने और मैं कभी बीमार ना पड़ सकूं। लेडीज जेंटलमैन, आपको नंबर 3 स्टेप यानी कि तीसरा कदम जो वेस्टीज में सफलता पाने के लिए आपने करना है उसके ऊपर ले जाते हुए, ये तीसरा स्टेप क्या है कि आप हर रोज लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाइए उन लोगों की जो आप, जिनको आप इस बिजनेस में लेके आना चाहते हैं या जो हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इस लिस्ट को बनाने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप कभी प्री जज मत कीजिए। प्री जज का मतलब कि यानी कि पहले से ये विचार मत बनाइए कि ये व्यक्ति कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये अनपढ़ है या ये बहुत पढ़ा लिखा है, या इससे मैं बात करूंगा तो इसके बारे में क्या सोचेगा, मेरे बारे में क्या धारणा बनाएगा, इस तरह की या किसी प्रकार की कोई सोच नहीं लानी। सिर्फ जैसे ही आपको ख्याल आता है, अरे मैं इस व्यक्ति को भी जानता हूं, उसका नाम इस लिस्ट में रखिए। जैसे आपको यहां पर स्लाइड में दिखाया जा रहा है, उसका नाम, उसका टेलीफोन नंबर, उसको आप क्या सोच के इस बिजनेस में लाना चाहते हैं कि या तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, इस बिजनेस को आगे बढ़ेगा, या शुरुआत में अभी आप सोचते हैं कि पहले मैं इसको कस्टमर बनाऊं, यानी कि प्रोडक्ट्स का ज्यादा फोकस करूं, उसके बाद उसकी मीटिंग डेट, कि ये तय करना बहुत जरूरी है कि मुझे कब उसको मिलना है,
ये नहीं कि नाम लिख लो, जब होगा मिलेगा तब देख लेंगे, नहीं, उनकी मीटिंग डेट चाहिए चाहिए। मीटिंग के बाद वो व्यक्ति आपका कस्टमर बना, आपका ग्राहक बना या आपके साथ इस बिजनेस में शामिल हुआ, उसका स्टेटस यानी कि उसकी स्थिति लिखिए कि क्या वो हमारा कंज्यूमर है या वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। इन चीजों के ऊपर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब आप लोगों से मिल रहे होते हैं तो आपने सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर ही जुड़ के नहीं रह जाना। कि मुझे ऐसे काफी लोग मिलते हैं जो कहते हैं सर मैं एक उस आदमी को ढूंढ रहा हूं और उससे मिलने की कोशिश कर रहा हूं, वो समय नहीं दे रहा, अगर वो आ जाएगा तो बिजनेस कमाल का हो जाएगा। मैंने एक आदमी को बिजनेस के बारे में बताया है, उसके माइंड में अभी कुछ डाउट है, कुछ समय और लगेगा बट अगले महीने जब वो आ जाएगा तो मेरे बिजनेस में आग लग जाएगी। लेडीज जेंटलमैन, हम हमेशा कहते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति के पास आप जुड़ के मत रहिए। जो आपको शुरुआत की 7 गलतियों में सिखाया था, जो आपको बताया था, नॉलेज दी थी, क्या कि हमेशा एक चीज के ऊपर फॉलो कीजिए, 3SW1N थ्योरी, यानी कि सम विल सम वोंट सो व्हाट 1N नेक्स्ट, यानी कि कोई करेगा कोई नहीं करेगा, अरे जो करेगा वेरी गुड, अगर नहीं करेगा वेरी गुड तो क्या हुआ, अरे दुनिया में और कितने लाखों लोग हैं जो करेंगे, हमने करना क्या है 1N यानी कि नेक्स्ट, अगले व्यक्ति के पास जाइए, रुक के मत रहिए। लेडीज जेंटलमैन, एक जो पुरानी चीज मल्टी लेवल मार्केटिंग में वर्षों से कही जाती है, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। बिल्कुल, कि व्यक्ति हमारे साथ आता है तभी तो हमारे लिए बेस्ट है, हमारे काम का है, अगर नहीं आता तो हम काहे के लिए उसके करके रुक के रहे, हमने करना क्या है। एब्सोल्युटली राइट, नेक्स्ट 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 जाते रहेंगे, आप इस बिजनेस में सफलता पाते रहेंगे। लेडीज जेंटलमैन, आपको आगे ले जाते हुए इस स्लाइड जो हमने आपको दिखाई, जो आप देख रहे हैं यहां पे, कि इस प्रकार से इस फॉर्मेट को बनाना है, भरना है, याद रखिए कि लिखना जरूरी है। बहुत लोग जो मेरा इतने 25 साल का तजुर्बा है मार्केटिंग में, जिसमें से 15 साल का मल्टी लेवल मार्केटिंग में है, लोग आके कहते हैं अरे साहब लोगों का नाम ही याद करना ना, मेरी याददाश्त बहुत तेज है। याददाश्त के ऊपर कभी भरोसा मत कीजिए। हमेशा कहा जाता है I love those people, those who have a short pencil and a paper rather than somebody who has got a long memory. यानी कि मैं उन लोगों से ज्यादा प्यार करता हूं जिनके पास एक छोटी पेंसिल और नहीं जिनके पास लंबी याददाश्त होती है, क्योंकि याददाश्त आपको भूल जाएगी, आपको धोखा देगी और कुछ समय के बाद आप कहेंगे अरे यार उसका दिमाग में नाम भी आया था पर मैं भूल गया और किसी काम में बिजी हो गया, और आज अगर मेरे साथ वो बिजनेस में होता, क्योंकि अब वो और किसी के पास जा चुका है। बेहतर यही रहेगा कि आप इस फॉर्मेट को भरिए और लोगों से इसी तरह से मिलते रहिए। यह था हमारा तीसरा कदम, कौन सा, की लिस्ट बनाइए। सबसे पहला कदम कौन सा था, प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कीजिए, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताइए, तीसरा लिस्ट बनाइए। अब जब आपने लिस्ट बना ली, चौथा कदम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्विटेशन, यानी कि लोगों को आमंत्रित करना है, उनको इन्वाइट करना है ताकि वो आके हमारे बिजनेस को देख सके, इस बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले सके, जो फायदा आप और लाखों लोग पा रहे हैं, आपके जान पहचान के लोग भी उन प्रोडक्ट्स का फायदा ले सकें और बिजनेस में आके अपनी जिंदगी बना सकें, हमने करना है ये चौथा कदम, यानी कि उनको इनवाइट। लेडीज जेंटलमैन, जो हम आर्ट ऑफ इनवाइटिंग की बात कर रहे हैं, जब हमने अपने लोगों को इस बिजनेस में इनवाइट करना है, आमंत्रित करना है ताकि वो हमारी मीटिंग में आए, क्योंकि इतनी बेहतरीन बिजनेस और जो मार्केटिंग प्लान हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे उनको फायदा हो, तो हमने उनको आमंत्रित कैसे करना है। इसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ये 5 C's ऑफ इनविटेशन, कि वो 5 चीजें आर्ट ऑफ इनविटेशन में कौन सी होनी चाहिए। इनके बताने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि एक चीज, एक लाइन, एक जिसने मेरे को बहुत प्रभावित किया था, एक सेइंग, जब मैं कॉलेज में था तब मैंने उसको पढ़ा था, उसके अंदर एक बहुत साधारण चीज कही गई थी कि एक डिप्लोमैट, यू नो, अ डिप्लोमैट इज अ पर्सन हु कैन टेल यू टू गो टू हेल इन सच अ मैनर दैट यू एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू द ट्रिप। यानी कि एक डिप्लोमैट वो व्यक्ति होता है जो अगर आपको ये भी कहे कि भाड़ में जाओ, पर उसके कहने का अंदाज इतना बेहतर हो कि आप सोचना शुरू कर दें कि मुझे भाड़ में जरूर जाना है। लेडीज जेंटलमैन, अगर आपकी जुबान में मिठास होगी और आपके कहने का अंदाज बिल्कुल अलग होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि लोग आपसे प्रभावित ना हो और आपके बुलाए हुए वो आए ना।
चलिए बढ़ते हुए अगली स्लाइड के ऊपर की फाइव सीज ऑफ इनविटेशन में सबसे पहली कौन सी चीज है। सबसे पहला जो हमने इस बिजनेस के अंदर करना है इन आर्ट ऑफ इनवाइटिंग के अंदर कि नंबर वन कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन यानी कि लोगों से हमने बातचीत किस प्रकार से करनी है। किसी भी व्यक्ति को जब आप इस बिजनेस में आमंत्रित करना चाहते हैं, इनवाइट करने से पहले एक चीज सोच लें, क्या कि आप किस प्रकार से कहते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या कहते हैं। मैं इसको फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा आपके फायदे के लिए कि आप किस प्रकार से कहते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कैसे कहते हैं। कि एक अच्छा स्माइल, हसमुख चेहरा और जोश आपको अच्छे वर्ड्स से ज्यादा ही बेनिफिट और फायदा देगा, राइट? जब भी आपने लोगों से बात करनी है, इमीडिएटली ये मत करिए अरे सर बढ़िया कमाल का बिजनेस है, आप आइए मीटिंग के अंदर, आपको हम दिखाना चाहेंगे। लोग शायद उसमें घबरा जाएं कि आप जब उनको बुला रहे हैं शायद आप ही का फायदा है, तभी आप उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हर व्यक्ति को जब आपने बात करनी है, एक चीज पहले आप उनके बारे में जानकारी हासिल कीजिए। जानकारी उनको एक बताना बहुत जरूरी है कि हमें आपके अंदर रुचि है। अगर आप उनके अंदर रुचि लेंगे तभी वो आपके बिजनेस के अंदर रुचि लेंगे। उसके लिए डिस्कस करिए जो हम एक चीज सुझाव देते हैं, फॉर्म का FORM। F का मतलब फैमिली यानी कि परिवार। कभी किसी व्यक्ति से फोन पे बात करें या उसको जाके आमंत्रित करना है तो पूछिए और सर क्या हाल चाल है, अर्जुन जी ठीक ठाक, आपके परिवार में कैसे हैं, माता जी ठीक हैं, बच्चे कैसे हैं। उनके बारे में पहले जानकारी लीजिए। उसके बाद ओ यानी कि ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, वो जो काम करते हैं। अगर कोई आदमी बिजनेस कर रहा है तो और बिजनेस कैसा चल रहा है, मंदी का आपके ऊपर कोई असर तो नहीं पड़ा, ये त्योहार का मौसम आ रहा है, या कोई भी हो उसके बारे में, व्यापार के बारे में पूछिए। अगर नौकरी कर रहा है तो नौकरी कैसे चल रही है, अगली तरक्की कब हो रही है, आपका बॉस कैसा है। ये बहुत बेहतरीन सवाल है क्योंकि कोई व्यक्ति अपने बॉस से प्यार नहीं करता और वो शायद आपको मौका दे ताकि आप इस बिजनेस में आमंत्रित कर सकें। आर का मतलब रिक्रिएशन। और आजकल क्या हो रहा है, बच्चों की छुट्टियां आ रही हैं या नई पिक्चरें रिलीज हो रही हैं, नया टीवी आया है, क्या आपने खरीदा, इन चीजों के बारे में जब आप बात करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे महत्वपूर्ण चीज के ऊपर आपने जरूर लेके जाना है, यानी कि एम। एम का मतलब क्या, मनी। अरे हाँ, आपसे बात करते हुए ख्याल आया कि एक बहुत अच्छा बिजनेस का मौका आया है, क्या आप कुछ बिजनेस और करने में इंटरेस्टेड होंगे। लेडीज जेंटलमैन, अगर व्यक्ति कहता है हाँ तभी उसको आमंत्रित कीजिए, अगर ना तो वेरी गुड, उसको हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, यानी कि वो हमारे कंज्यूमर बने। लेडीज जेंटलमैन, ये पहला तरीका है कि लोगों के साथ आपने कन्वर्सेशन कैसे करनी है, यानी कि वार्तालाप कैसे करना है। लेडीज जेंटलमैन, दूसरे पॉइंट के ऊपर जाते हुए यानी कि आर्ट ऑफ इनवाइटिंग के अंदर जो हमारा दूसरा सी होता है, कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रशंसा। जब भी आप लोगों से बात कर रहे हैं, जब भी आपको मौका मिले, जब आप उनसे बात कर रहे हैं कि आपके परिवार में कैसे हैं, माता पिता ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं, बच्चों के एग्जाम्स कैसे गए, ओ यानी कि ऑक्यूपेशन, आपका व्यवसाय कैसे चल रहा है, नौकरी कैसे चल रही है, रिक्रिएशन, छुट्टियों में कहीं गए, नई पिक्चर देखी या कुछ ऐसा किया, जब आप इन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं, जब भी आपको मौका मिले प्रशंसा करें। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो उसको अच्छा लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आज आप मेरी प्रशंसा करें कि मैं काफी अच्छा लग रहा हूं, मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, मेरा चेहरा अच्छा लग रहा है, जब आप कहेंगे, आप घर में बैठे भी कहेंगे तब भी मुझे सुनाई देगा और मुझे खुशी होगी। इसी प्रकार से हर व्यक्ति को जब आप उनकी प्रशंसा करें तो उनको अच्छा लगता है। अब किस प्रकार की प्रशंसा हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर से अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है, वो कह रहा था कि यार मेरे परिवार में माता जी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया, ये था, टेस्ट कराए, तो आप उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, यार आप सच्ची मुच्ची एक बहुत बढ़िया बेटे हैं जो अपने माँ बाप का कितना ख्याल रखते हैं। कोई व्यक्ति अगर कोई बात कहता है, बात करते हुए मैंने उसको ऐसा कहा, तो उनकी प्रशंसा आप कर सकते हैं कि यार आप काफी समझदार हो। इतना ही नहीं कि कोई व्यक्ति अगर कहता है जब मैंने बात की तो लोगों मेरी बात सुन रहे थे, अरे सही बात है, आप जब बात करते हो तो लोग आपकी बात पर ध्यान देते हैं। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा मेहनत करता है, उसको उसकी प्रशंसा करें कि अरे यार आप बहुत ही ज्यादा मेहनती हो। लेडीज जेंटलमैन, एक चीज का ख्याल इसमें जरूर रखना है
आपकी प्रशंसा हमेशा सच होनी चाहिए। अगर आप किसी की झूठी प्रशंसा करेंगे तो उसको इमीडिएटली पता चल जाएगा। जो एग्जांपल मैं जर्नली ट्रेनिंग्स में देता हूं कि अगर आप कई बार आपके साथ भी होता है किसी व्यक्ति से कहो अरे आज तो बिल्कुल हीरो लग रहे हो, वो आपको दूसरा लव्स क्या बोलता है, अरे क्या बात आज सुबह से कोई मिला नहीं। यानी कि उसको भी पता है कि कौन सी प्रशंसा सच और कौन सी झूठी है। पहला कौन सा कि लोगों से हमने वार्तालाप कैसे करना है, कन्वर्सेशन। दूसरा लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना है। पर तीसरा सी जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो अगली स्लाइड के ऊपर जाके, क्यूरियोसिटी। यानी कि जब हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं हमने उनकी जिज्ञासा बढ़ानी है। हमारा पर्पस, हमारा मकसद क्या है कि लोग हमारे मीटिंग में आए, हमारे बिजनेस के बारे में ज्ञान लें, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में ज्ञान लें। इसके अंदर काफी अप्रोच यानी कि तरीके जो हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो हम आपको यहां पे दिखा रहे हैं वो कौन सा है, एक्साइटमेंट अप्रोच। एक्साइटमेंट यानी कि आपने इस बिजनेस को देखा, आपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ली, आपको बहुत अच्छा लगा और उस जोश के साथ ही, एक्साइटमेंट के साथ ही आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। आपको याद होगा कन्वर्सेशन में मैंने आपसे क्या कहा था कि लोग कैसे कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कहते हैं। जो आपके सामने यहां पे दिखाया जा रहा है एक्साइटमेंट अप्रोच में क्या कि रमेश आप मानोगे नहीं कि मैंने एक ऐसा बिजनेस के अंदर जुड़ा हूं जहां पे लोग एक महीने में इतना कमाते हैं जो लोग एक साल में नहीं कमा सकते, क्या आप मिलना चाहोगे शनिवार शाम को 6 बजे ताकि आपको हम बता सके। ये जो चीज बताई यानी कि एक्साइटमेंट अप्रोच, फिर से कन्वर्सेशन के अंदर जाके मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कहते हैं। जब आपने एक्साइटमेंट अप्रोच करनी है तो इसके अंदर आपका भाव भी इस प्रकार से आना चाहिए कि आपने बिजनेस को देखा, आपके अंदर आग लग गई, इमिजिएटली आपने जोश के साथ उसके बारे में बता रहे हैं, तो कहना कैसे है कि रमेश यार तुम मानोगे नहीं मैंने एक ऐसा बिजनेस देखा जिसके अंदर लोग एक महीने के अंदर इतना कमाते हैं जो लोग एक साल में नहीं कमा सकते, क्या हम मिल सकते हैं शनिवार शाम को 6 बजे ताकि आपको डिस्कस कर सके। ये आपने जोश से कहा, एक्साइटमेंट से कहा। फिर से कि आप कैसे कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कहते हैं। अगर आप कहें सही लव्स पर आपके कहने का ढंग अलग हो तो लोग आपसे प्रभावित नहीं होंगे और आपके इस बिजनेस को देखने नहीं आएंगे। उदाहरण के तौर पे जो एक्साइटमेंट अप्रोच के शब्द जो मैंने अभी बोला कि रमेश आप मानोगे नहीं कि मैंने एक ऐसा बिजनेस देखा है, अगर उसको जोश के ऊपर ना कहते हुए आप कहें कि रमेश यार तुम मानोगे नहीं मैंने एक ऐसा बिजनेस देखा है जिसके अंदर लोग एक महीने में उतना कमाते हैं जो लोग साल में नहीं कमा पाते, क्या हम मिल सकते हैं शनिवार शाम को 6 बजे। लेडीज जेंटलमैन, लव्स वही, कहने का अंदाज अलग, यही चीज सबसे ज्यादा फर्क डालता है। क्यों? क्योंकि आप कैसे कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कहते हैं। पहली तो हमारी एक्साइटमेंट अप्रोच यानी कि जोशीला उपगमन। दूसरा डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच यानी कि सीधा उपगमन, लोगों को डायरेक्ट अप्रोच आपने जो करना है उसके अंदर आपने इस्तेमाल करना है उन लोगों के लिए जो आपके खास मित्र हों, जिनके ऊपर आपको साफ लगता है कि वो इस बिजनेस में आएंगे जरूर क्योंकि आप कहते हैं। इसके लिए आपने साफ इस्तेमाल कर सकते हैं, सुशील मैंने एक बिजनेस शुरू किया है जिसके अंदर मैं चाहता हूं आप भी आके उसके अंदर जुड़े, तो क्या हम मिल सकते हैं शनिवार शाम को 6 बजे। डायरेक्ट अप्रोच यानी कि आपने डायरेक्टली उनको बुलाया कि हम जिस बिजनेस के लिए आपको जोड़ना चाहते हैं उसी को दिखाने के लिए बुला रहे हैं, यानी कि उसके मन दिमाग में एक धारणा हो जाए कि उसको जाके उसको ज्वाइन करना है। लेडीज जेंटलमैन, क्यूरियोसिटी को बढ़ाने का अगला तरीका, हु डू यू नो अप्रोच, यानी कि क्या आप किसी व्यक्ति को जानते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको आपको सोचने में लगता है कि शायद वो इस बिजनेस में ना आए, अगर मैं इनसे बात करूं तो शायद इनकी धारणा मेरे बारे में कुछ अलग ना हो। अगर आपके मन में अभी ये शक है तो आप ये वाला तरीका अपना सकते हैं कि अरे मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है जिसके अंदर बहुत अच्छी आमदनी है, क्या आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो एक्स्ट्रा आमदनी चाहता हो। अगर वो कहता है हां तो उस व्यक्ति का नाम लीजिए
पर ज्यादा कर होगा ये कि वो कहेगा बाकियों की बात छोड़िए, मैं खुद कमाना चाहता हूं, मुझे बताओ क्या है। तो उनको कहिए कि क्या हम मिल सकते हैं शनिवार को 6 बजे। लेडीज जेंटलमैन, इसके बाद अगला स्टेप लोकेशन, कि अपने दोस्तों से, जान पहचान के व्यक्तियों से जब आप मिलते हैं, उनको जब आप आमंत्रित करना चाहते हैं कि अरे यार मैंने एक बिजनेस शुरू किया है जो पूरे देश भर में है, बढ़िया चल रहा है, आपके शहर में हम इसको शुरू करना चाहते हैं, तो क्या आप इस बिजनेस में शामिल होना चाहेंगे? इसकी जानकारी के लिए क्या हम मिल सकते हैं शनिवार शाम को 6 बजे। लेडीज जेंटलमैन, ये एक तरीका है जिसके करके आप इनवाइट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी बढ़ाने का जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं अपने इस बिजनेस के अंदर, जिसके अंदर बेहतरीन हमारे सबसे बड़े बड़े लीडर सब इसको इस्तेमाल करते हैं, वो होता है ओपिनियन अप्रोच। ओपिनियन यानी कि व्यक्ति का राय लेना, यानी कि उसका विचार क्या है। ये तरीका हम ज्यादातर उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो सोचते हैं कि दुनिया में सबसे अकलमंद आदमी कौन, मैं। जो व्यक्ति अपने बारे में बहुत ज्यादा बड़ा सोचता है, उस व्यक्ति के ऊपर ये तरीका आप अपना सकते हैं कि यार मैंने एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, मैं चाहता था कि आपकी अगर सलाह मिल जाती तो मैं इस बिजनेस को शुरू करूं कि ना, ये आपसे राय लेनी है, तो क्या हम मिल सकते हैं शनिवार शाम को 6 बजे। इस केस में व्यक्ति जरूर आएगा, वो कहेगा अच्छा मेरी राय लेना चाहता है, अरे मैं तो खुद ही सोचता था कि मैं बहुत अकलमंद हूं, अब तो पूरी दुनिया मानती है मैं अकलमंद हूं। लेडीज जेंटलमैन, ये थे हमारे तरीके जिसके करके क्यूरियोसिटी बढ़ा के हमारा थर्ड सी हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। चलते हैं हम अगले सी के ऊपर, यानी कि कंट्रोल। कंट्रोल यानी कि नियंत्रण, की पूरा धैर्य रखे, एक्साइटेड मत हो जाइए। लोग जब बात करते हैं लोगों से कि क्या मिल सकते हैं शनिवार शाम को 6 बजे, वो व्यक्ति कहता है हाँ हाँ मैं जरूर आऊंगा, तो हम कहते हैं अरे आने के लिए तैयार हो गया, अच्छा ऐसा करना आती बारी अपने साथ दो और दोस्तों को ले आना, तो उसके मन में शंका पैदा होनी शुरू होती है। आप कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रखिए। तो लोग आपसे जब लोगों के सवाल पूछते हैं शनिवार शाम को 6 बजे, हाँ मैं आ जाऊंगा पर किस लिए, जब वो पूछे किस लिए, उनको कहिएगा कि ये पूरा का पूरा हम बताएंगे आपको मीटिंग में। अगर आपको कहते हैं अरे कुछ तो बताओ, उनसे कहिए कुछ क्यों बताएं, अरे भाई साहब पूरा बताएंगे ना शनिवार शाम को 6 बजे। अगर वो कहे थोड़ा सा, को थोड़ा सा क्यों, सारा सा, कब, शनिवार शाम को 6 बजे। लेडीज जेंटलमैन, हम इसलिए कहते हैं ताकि आप उनको मीटिंग में इनवाइट कीजिए। क्यों? क्योंकि फोन पे अगर आप या किसी को थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे तो शायद वो व्यक्ति पूरा ना समझ सके और एक धारणा अपने मन में रख के और उस मीटिंग में ना आए। अगर वो आपके बहुत पीछे पड़ते आ रहे नहीं नहीं कुछ तो बताइए, तो एक बेस्ट तरीका क्या है उनको बताने का, सुनिए क्योंकि मैंने इस बिजनेस को अभी शुरू किया है, आपके मन में बहुत ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब शायद मैं ना दे सकूं। जब आप शनिवार शाम को 6 बजे मीटिंग में आएंगे, हमारे वहां पे ऐसे इतने तजुर्बेकार लोग होंगे जो पिछले 5 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं, आपके हर एक सवाल का उत्तर वो पूरी अच्छी तरह से दे सकेंगे ताकि आपको वो बिजनेस पसंद आए। लेडीज जेंटलमैन, ये हमारा तरीका है इनवाइट करने का। इसके अंदर जो लास्ट सी है वो कौन सा है, कमिटमेंट। कि जब आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं उनसे कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता लीजिए। तो सर हम आपसे मिल रहे हैं शनिवार शाम को 6 बजे, अगर वो कहता है मैं देखूंगा, देखूंगा नहीं कि सर पक्का बताइए, अगर आपने कैंसिल भी करना हो मुझे कम से कम 2 दिन पहले बता दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अगर आप ना आ सके तो आपकी जगह मैं और किसी व्यक्ति को ले जाऊं ताकि मेरे समय भी बर्बाद ना हो। लेडीज जेंटलमैन, अगर उनके पास कमिटमेंट होगी और आपने उनसे जब बात करने का तरीके में पक्का कहा है कि हम आपसे जरूर मिलेंगे और समय से पहले ही मैं पहुंच जाऊंगा ताकि आपके लिए एक सीट रिजर्व रखूं, तो वो व्यक्ति जरूर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अगली स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, अभी तक हमने जो डिस्कस किए 4 तरीके, कौन से, सबसे पहला इन प्रोडक्ट को खाइए, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताइए, तीसरा लिस्ट बनाइए, और चौथा अभी आपने सीखा कि लोगों को इनवाइट कैसे करना है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि मीटिंग्स। जब हम लोगों को मीटिंग्स में बुलाते हैं तो मीटिंग में बुलाना ही काम खत्म नहीं हो गया, बल्कि काम वहां से शुरू हुआ। मीटिंग्स के अंदर भी सबसे पहले हमारी क्या चीज है, बिफोर द मीटिंग, यानी कि मीटिंग से पहले, मीटिंग से पहले हमेशा समय से पहले पहुंचो।
अगर मीटिंग शाम के 6 बजे की है तो कम से कम 15 मिनट पहले आपको होना चाहिए, क्योंकि आपका गेस्ट अगर वहां पे पहुंच गया और आप लेट हैं तो आपके बारे में उसका विचार अच्छा नहीं होगा कि यार मुझे तो बुलाया अभी तक आया नहीं। मीटिंग से पहले एक चीज का ध्यान रखिए कि आपने अपने आप को बिल्कुल अच्छी तरह तैयार किया है, साफ कपड़े, अच्छी तरह शेव की हुई, बाल अच्छी तरह कंघी की हुई, क्योंकि लोग ना ही सिर्फ हमारे बिजनेस से प्रभावित होते हैं, सबसे पहले प्रभावित होते हैं हमारी वेशभूषा और हमारे कपड़े डालने के और लोगों से बात करने के ढंग से। बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले एक चीज सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास क्या पूरे प्रोडक्ट कैटलॉग है। अगर वो प्रोडक्ट देखना चाहेगा तो प्रोडक्ट कैटलॉग होने चाहिए। क्या आपके पास बिजनेस प्लान है? क्या आपके पास प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म है अगर वो प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहेगा? क्या आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है कि अगर उसने बिजनेस देखा और बिजनेस को देखने के बाद वो इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए, तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, प्रोडक्ट के सैंपल आपके पास होने चाहिए ताकि आप उनको दिखा सके। मीटिंग से पहले तो ये तैयारी करनी जरूरी है। दूसरा, मीटिंग के दौरान, यानी कि मीटिंग जब शुरू हो तो आपने क्या करना है। जैसे मीटिंग शुरू होती है, जैसे आप देखते हैं हमारे यहां पे हमेशा हर मीटिंग में शुरुआत में क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। शाम को हो, सुबह हो, रात को मीटिंग हो, हर वेस्टिज की मीटिंग को शुरुआत होती है गुड मॉर्निंग से, यानी कि जब भी जागो तब सवेरा। सही समय वही होता है जिस समय आप जाग के अपनी जिंदगी की जरूरतों को पहचान ले। जब आपको कहा गया गुड मॉर्निंग तो आप भी जब मीटिंग का एक हिस्सा है, वेस्टिज परिवार का हिस्सा है, तो आपने भी जोर से क्या कहना है, गुड मॉर्निंग। लेडीज जेंटलमैन, जब आपका मास्टर ऑफ सेरेमनीज, जो स्टेज के ऊपर आपका लीडर इस बिजनेस को प्रेजेंट कर रहा है, जब वो कहता है हम जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं, तो आपने भी जोरदार तालियां बजानी है। क्यों? अगर आप सोचें बाकी बजाएंगे, जो व्यक्ति आपका गेस्ट है, अगर आप ही इस बिजनेस में एक्साइटेड नहीं है तो वो कहां से एक्साइटेड होगा। मीटिंग के अंदर ये नहीं कि उनको बैठा के आप बाहर घूमने टहलने चले गए सिगरेट पीने, चाय पीने के लिए और सुस्ताने के लिए, नहीं। मीटिंग में आपको उसके साथ बैठना है। जब कहा जाए ताली बजाएं तो टड़क करके उसको भी कहिए कि ताकि वो भी ताली बजाए, यानी कि उसकी एक्साइटमेंट बढ़ेगी, तभी वो बिजनेस में शामिल होगा। जब आपका जो प्रेजेंटर अगर कोई कहानी सुनाता है, पुरानी है, आपने 15 बारी सुनी हुई है, तब भी उसके ऊपर हंसे और चीज जो अच्छी हो, कोई चुटकला जोक सुनाया जाए उसके ऊपर हंसे और जोरदार ताली बजाएं। क्यों? क्योंकि आपकी इन्वॉल्वमेंट इस जो मीटिंग में होगी वही इसके अंदर प्रभावित करेगी। जब बताया जाए कार फंड या हाउस फंड, अगर वो व्यक्ति कहीं अपना फोन देख रहा है, घड़ी देख रहा है, उसको थोड़ा सा उठा के, सर इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन इनकम है। अरे उस व्यक्ति को देख रहे हैं, उसने पिछले महीने इस कार फंड से मर्सिडीज बेंज ली है, क्या आप वैसी गाड़ी लेना चाहोगे? लेडीज जेंटलमैन, मीटिंग के दौरान आपकी टोटल इन्वॉल्वमेंट रहनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में कौन सी? आफ्टर द मीटिंग, यानी कि मीटिंग के बाद। मीटिंग के बाद ज्यादातर लोग जो इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को नहीं लेते वो क्या कहते हैं, धन्यवाद सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा, मैं क्या बताऊं, आपने मेरी बात रख ली, ओके जी, मिलेंगे, फिर मिलेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या उससे कोई फायदा होगा? नहीं। आफ्टर द मीटिंग एक महत्वपूर्ण सवाल जो इस बिजनेस में हमने हर एक व्यक्ति से पूछना है कि जो आज आपने हमारी मीटिंग देखी उसके अंदर आपको क्या अच्छा लगा, हमारे प्रोडक्ट्स या हमारा बिजनेस? जेंटलमैन, सोचने की बात है। अगर उसको बिजनेस नहीं करना, आपने उससे पूछा कि आपको क्या अच्छा लगा, हमारे प्रोडक्ट्स की, हमारा बिजनेस, अगर उसको बिजनेस नहीं करना तो वो क्या कहेगा, अरे आपके प्रोडक्ट्स बहुत बेहतरीन है। तो उनको कहिए कि नोनी एक प्रोडक्ट है जो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, क्या इसकी मैं 4 बोतल भेज दूं? क्यों? क्योंकि अगर आप 4 बोतल कहेंगे तो वो आपको कहेगा नहीं 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 एक भेज दो। क्योंकि अगर आपने कहा होता एक बोतल भेज दूं तो आपको कहता छोटी नहीं है, छोटी भी अगर होती तो वो कहते फ्री सैंपल नहीं है। लेडीज जेंटलमैन, हम फ्री सैंपल देने के बिजनेस में नहीं है, क्योंकि हम अपने लिए एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर रहे हैं। हाँ, अगर वो मीटिंग के बाद कहता है आपका बिजनेस काफी अच्छा लगा, तो उसको मार्केटिंग प्लान और फर्दर डिटेल में बताइए, उनसे पूछिए कि आपके कोई शक है कि नहीं। मीटिंग के बाद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने करना क्या है। जो सफल व्यक्ति हमारे बिजनेस में हमारी मीटिंग्स के अंदर है, उनके साथ उनको मिलाइए। ये नहीं कि आप जाइए, नहीं, चलिए आइए मैं उस व्यक्ति से मिलाता हूं, वो बहुत सफल है, स्टार डायरेक्टर है, कार फंड अचीवर है,
ये हाउस फंड अचीवर हैं, ये गोल डायरेक्टर हैं, इनका महीने में 50,000 का चेक है, ये महीने में 4.5 लाख कमा रहे हैं, ये 8 लाख कमा रहे हैं। जो सफल लोग हैं उनसे मिलाइए ताकि उनसे मिलके वो प्रेरित हों और उनका विश्वास इसमें पक्का हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, पांचवा कदम मीटिंग को कैसे करना है। छठा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, टीम वर्क। टीम वर्क यानी कि पूरी टीम के साथ, आपका अपलाइन वहां पे है, आपका डाउनलाइन वहां पे है, उसके साथ उनको मिलाइए कि ये लोग इस बिजनेस में पिछले 6 महीने से हैं, ये पिछले 1 साल से है। जब आप टीम के साथ काम करेंगे तभी आपको फायदा होगा। इन लोगों के कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चंस हो जो आपको जानकारी नहीं है, अपने अपलाइन से पूछिए, राइट। टीम वर्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सातवां चीज यानी कि फॉलो अप। जो आपकी मीटिंग में आए, जिन्होंने कहा कि मीटिंग अच्छी लगी, बिजनेस के बारे में मैं सोच के बताऊंगा, आपने उसके अंदर क्या करना है, उनका फॉलो अप करना है। सर, आप मीटिंग में उस दिन आए थे, आपने कहा था इसका आपको काफी अच्छा लगा, आपको आपने कहा था कि आप सोच के बताएंगे, तो मेरा ख्याल से आपने सोच लिया होगा, तो आपका क्या विचार बना कि मैं आके आपके साथ इस बिजनेस को शुरुआत करूं। अगर किसी व्यक्ति ने कहा था कि प्रोडक्ट के बारे में मैं सोचूंगा, तो सर आपने कहा था सोचूंगा और आपको कुछ जानकारी चाहिए थी, ये है जानकारी इन प्रोडक्ट्स के बारे में, तो क्या आपको ये प्रोडक्ट्स चाहिए, मैं आपको भेज दूं। जब आप ये चीज कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं फॉलो अप, यानी कि पीछा करोगे तभी आप जाओगे। बहुत साधारण सी चीज है, जो आपके गेस्ट आए उनका पीछा करो। पीछा करोगे क्यों? क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट्स लेंगे तो आपका बिजनेस अप जाएगा। जो आपके लोग आए थे जिन्होंने बिजनेस के बारे में कहा था सोच के बताऊंगा, उनका पीछा करो। क्यों? क्योंकि अगर वो बिजनेस ज्वाइन करेंगे तो आपका बिजनेस क्या जाएगा? अप, यानी कि ऊपर। फॉलो करोगे अप जाओगे। फॉलो बहुत आसान करना होता है। कैसे? कि जब आपके अपलाइन मीटिंग प्रेजेंट कर रहे हैं, जो उन्होंने दिखाया उन्हीं का पीछा करो, यानी कि उन्हीं की कॉपी करो, उनकी कॉपी करोगे अप जाओगे। लेडीज जेंटलमैन, सफल होने का वेस्टीज के अंदर बहुत अच्छा तरीका है, हम साफ कहते हैं कि फॉलो करोगे अप जाओगे, यानी कि पीछा करोगे तो अप जाओगे। क्या करोगे? फॉलो करोगे तो कहां जाओगे? अप। फॉलो करोगे तो कहां जाओगे? अप। फॉलो करोगे तो कहां जाओगे? क्या जाओगे? अप। यानी कि फॉलो करोगे अप जाओगे। अगर अप 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 ऊपर जाना है तो सिर्फ एक चीज करो कि फॉलो करो। लेडीज जेंटलमैन, इस मॉड्यूल को यहां पे खत्म करते हुए मैं यही चीज आपको दिखाना चाहूंगा, फॉलो करोगे तो अप जाओगे। फॉलो किन चीजों को? इन्हीं 7 चीजों को जो हम आपको दिखा रहे हैं कि जो वेस्टीज में शुरुआत कैसे की जाए उसमें करनी है। कौन सी? सबसे पहला, इन प्रोडक्ट को कंज्यूम करो। दूसरा, इनके बारे में लोगों को बताओ। तीसरा, लिस्ट बनाओ। चौथा, लोगों को इनवाइट करो। पांचवा, करो मीटिंग। छठा, करो टीम वर्क। सातवां, करो फॉलो अप। क्या करना है? पहले दिन सबसे पहले इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो। दूसरा, इनके बारे में लोगों को बताओ। तीसरा, लिस्ट बनाओ। चौथा, लोगों को इनवाइट करो। पांचवा, करो मीटिंग। छठा, करो टीम वर्क। और सातवां, करो फॉलो अप। लेडीज जेंटलमैन, जो हम हमेशा कहते हैं कि हम आपको कोई सपना नहीं दिखाते, हम आपको सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। जो रास्ता मैंने आज आपको इस मॉड्यूल में भी दिखाया, वो रास्ता वो है जिसके ऊपर सफलतापूर्वक लोग इस्तेमाल करके लाखों रुपए की आमदनी पे जा चुके हैं। सफलता सिर्फ आप ही के कारण है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम और आपका जोश और आपका विश्वास हम में जब जुड़ता है, तभी हम कहते हैं टुगेदर वी आर द बेस्ट, कि सफलता सिर्फ आपके कारण है। थैंक यू सो मच।